नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि कंटिन्यू मेरी वीडियोस अपलोड नहीं हो रही हैं। डेली बेसिस पर मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, बट अभी वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ है, थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। बट कल से मैं स्टार्ट करूँगी कंटिन्यू वीडियोज़ को अपलोड करना। तो आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ऑडिट का जो डेट है वो एक्सटेंड हुआ है। आप सभी को पता है कि ऑडिट का जो लास्ट ड्यू डेट है वो 30 सितंबर 2023 है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23। बट ये जो डेट एक्सटेंड हुई है ये सभी के लिए नहीं हुई है, ये कुछ के लिए ही हुई है। किन किन लोगों के लिए हुई है? अगर आप ट्रस्ट एंड फंड हैं और आप 10B और 10BB भी फाइल करते हैं तो वहाँ पर आपको जो डेट है वहाँ पर एक्सटेंशन मिला है। वहाँ पर 31st of October लास्ट ड्यू डेट है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23। और एक और डेट जो है वो एक्सटेंड हुई है, अगर आप आईटीआर 7 करते हैं तो इसकी लास्ट ड्यू डेट थी 31st अक्टूबर, अब इसको एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2023 कर दिया गया है। तो ये दो ड्यू डेट्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की ऑडिट की, जो कि अगर आप फंड या फिर ट्रस्ट हैं तो वहाँ पे आपके लिए ड्यू डेट्स एक्सटेंड हुई है 31st अक्टूबर। और अगर आप ITR 7 करते हैं तो पहले इसकी ड्यू डेट थी 31st अक्टूबर, अब ये एक्सटेंड हो के 30 नवंबर हो गई है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो मेरे जो दोनों चैनल को सपोर्ट कीजिए, हिंदी चैनल सुमन एजुकेशन हब और इंग्लिश चैनल सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश, दोनों चैनल को सपोर्ट कीजिए सो दैट दोनों चैनल ग्रो हो सके एंड दोनों चैनल के थ्रू मैं हिंदी में एंड इंग्लिश में अकाउंटिंग को सभी को सिखा सकूँ। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।